नमस्कार, मैं हूं आशा, आपका स्वागत करती हूं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन में। दंगल मूवी का वो डायलॉग आपने सुना ही होगा, मारी बेटियां क्या बेटों से कम है। आज एक बेटी ने पुनः भारत को गौरवान्वित होने का मौका दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को स्वर्णिम उपलब्धि हरनाज संधू ने दिलवाई है। जी हाँ, 21 सालों के स्वर्णिम इंतजार के बाद 12 दिसंबर 2021 को तीसरी बार एक भारतीय महिला मिस यूनिवर्स बनी है। इससे पहले 2000 में लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं। इससे पूर्व 1994 में सुष्मिता सेन ने भारत को यह स्वर्णिम उपलब्धि दिलवाई। आज हम बात करेंगे हरनाज संधू के बारे में और जानेंगे कि आखिर वो कौन कौन सी प्रतिभा रखती हैं जिसके कारण उन्होंने यह किताब जीता। आखिर क्या शौक है उनके, किसे मानती है अपना आइडल। मिस यूनिवर्स की किताब से पहले क्या शैक्षिक योग्यता वह रखती है। इसके अलावा किस प्रकार के सवाल का जवाब देकर उन्होंने अपनी बौद्धिकता का परिचय दिया। पहले हम बात करें इस प्रतियोगिता के बारे में, तो यह प्रतियोगिता इजराइल में आयोजित करवाई गई। अपने दोनों प्रतिद्वंदी जो प्रगुए और साउथ अफ्रीका से संबंधित रखते थे, उन्हें हराकर उन्होंने मिस यूनिवर्स का तमगा अपने नाम किया। यह 70वां मिस यूनिवर्स पेजेंट था जिसमें 80 महिलाओं ने भाग लिया। यह प्रतियोगिता 1.5 महीने तक चली। हरनाज संधू की ताजपोशी की अगर बात की जाए तो एंड्रिया मिजा द्वारा उनकी ताजपोशी की गई, जो 2020 में मैक्सिको में मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम कर चुकी है। अगर बात की जाए हरनाज संधू की, तो पंजाब की रहने वाली है। स्कूली और कॉलेज स्तर की शिक्षा पंजाब से ही की है। फैशन इंडस्ट्री से इनका गहरा लगाव रहा है और कुछ मूवियों में भी काम कर चुकी हैं। वुमेन राइट्स की प्रतिभाशाली एडवोकेट भी रह चुकी हैं। इसके अलावा उनकी शौक की बात की जाए तो योगा, डांसिंग, कुकिंग और हॉर्स राइडिंग के शौक रखती हैं। अगर बात की जाए उनके आइडल की, तो वो देसी गर्ल को अपना आइडल मानती हैं। इससे पहले 2017 में मिस चंडीगढ़, 2019 में फेमिना मिस इंडिया पंजाब जीत चुकी हैं। इसके अलावा मिस इंडिया प्रतियोगिता में भी भाग ले चुकी हैं। 19 साल की उम्र से ही उन्हें सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने का काफ़ी शौक रहा है। वर्तमान समय की बात करें तो MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कर रही हैं। अगर बात की जाए उनके आखिरी राउंड के जवाब की, तो जब उनसे पूछा गया कि आधुनिक महिलाओं को प्रेशर से निपटने के लिए क्या करना चाहिए, प्रेशर को कम करने का उन्होंने एक ही फॉर्मूला बताया। वो था खुद को यूनिक मानना और अपनी तुलना किसी से ना करना। उन्होंने कहा अपनी आवाज खुद बने और खुद के लिए खड़े रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन और सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मेरे इस विश्लेषण को लेके अपनी राय अवश्य रखें। धन्यवाद।